मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो, इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर न मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये कौन सा है, जुडिशियल बॉडी करती है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग क्वासा जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे, अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा, इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए, इफ दिस इज दी वे एंड इफ दिस इज दी ओनली वे एंड इफ दिस इज दी शॉर्टेस्ट वे, दिस इज दी वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना है इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले? नहीं नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, मिस्टर नड्डा। तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इल्लीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक मैं यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड प्लीज प्लीज सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, सभापति जी, वन सेकेंड सर, वी आर दी अपर हाउस, वी आर दी हाउस ऑफ एल्डर्स, इफ देर इज अ रिफ्लेक्शन देर देर इज अ लीगल वर्किंग मैकेनिज्म, अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, देन रादर देन प्ले द अदर वे अराउंड, वी हैव टू लुक इन टू द रियल लीगलिटी ऑफ इट, एंड ही इज फोकसिंग ऑन लीगलिटी ऑफ इट। प्लीज गो एट सर।
सभापति जी, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज दी ओनली वे एंड दिस इज दी शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज दी करेक्ट वे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है, अपने नो आई एम नॉट गोइंग टू यू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो नो नो, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो नो सर, प्लीज, नो सर, प्लीज, हरिगज जी, नो प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग। तो मैं ये बोल रहा हूं, ही इज नॉट यील्डिंग, नो, ही इज नॉट यील्डिंग, आई गेव यू टाइम व्हेन ही यील्डेड, ही इज नॉट यील्डिंग, प्लीज कंटिन्यू। मैं बोल रहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट What Nothing will go to Venugopal, बैठ जाओ यार। No, he's not yielding. No, no. ऐसा है, खड़िया जी, मैंने फिर please. कहा, मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है।